जय हिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी 10+2 BTEC एंट्री ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि कैसे आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों फॉर्म कैसे फिल होगा इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको इसके शॉर्ट ओवरव्यू के बारे में जानकारी दे देता हूं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा जैसा कि आप सब जानते हो। टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पोस्ट नेम इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, ये इसको आप ऑनलाइन फॉर्म बोल सकते हो। इस प्रकार का इसमें प्रोसेस रहेगा जिसके माध्यम से आपको बीटेक में एंट्री मिलेगी। पे स्केल 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस, दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट यानी कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ है वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मैं एक बार आपको फिर से दोहरा दूं कि जिन कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिनके पास 12वीं पास की योग्यता है और जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स हो, इन इंग्लिश इधर इन क्लास 10 और क्लास 12 यानी कि नॉर्मली आपके 12th में 70% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपके पास इंग्लिश है तो उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। दोस्तों जैसा कि वेबसाइट अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको वही स्टेप फॉलो करने जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर दो तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक है रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी और दूसरा है रजिस्टर विद विदाउट आधार, यानी कि अगर आप बिना आधार कार्ड के रजिस्टर करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम बिना आधार कार्ड के रजिस्टर करते हैं। तो यहां पर रजिस्टर विदाउट आधार कार्ड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्टेट इश्यूड फोटो आईडी, यहां पर आपको गवर्नमेंट या स्टेट के द्वारा कोई इश्यूंग आईडी अपलोड करनी होगी, या जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10+2 पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। तो यहां पर आपके पास अगर इनमें से कोई एक आईडी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहां से पैन कार्ड सिलेक्ट करने वाला हूं। इसके बाद यहां से आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखित होगा। अपलोड सिलेक्टेड फोटो आईडी स्कैन कॉपी, और साथ ही आपको यहां पर अपनी पैन कार्ड या जो भी आईडी आप सिलेक्ट करोगे उसकी फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी जो कि स्कैन कॉपी होनी चाहिए और जिसका साइज 150 KB से ज्यादा ना हो और फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG या JPG के अंदर होना चाहिए या फिर PNG। अपलोड एड्रेस प्रूफ, अब यहाँ पर आपको कोई भी एक आईडी जिसमें कि आपका एड्रेस हो वो अपलोड करनी होगी, चूज फाइल करके आप यहाँ से इस प्रकार से अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक कोई भी आईडी यहाँ पर अपलोड आईडी का कोई भी इमेज ऐसे ही मैं आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब आपकी आईडी यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है, जो कैप्चा कोड आपको उसके सामने बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। ये कैप्चा कोड सभी के वक्त अलग अलग होगा तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा कि हमारे में ये वाला कैप्चर नहीं था। अगर आपकी समझ में कैप्चर कोड नहीं आ रहा है तो यहां पर रिफ्रेश का बटन दिया गया, आपको इसको रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चर कोड ला सकते हो। और जैसे ही आप ये सभी जानकारी यहां से फिल कर ले उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहले मैं आपको यहां पर पूरा इंटरफेस दिखा देता हूं कि किस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से फील्ड के अंदर आपको क्या जानकारी भरनी है। यहां पर सबसे पहले आपको दिया गया है इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू कैन लॉग इन हियर, यानी कि अगर आपका पहले ही इंडियन नेवी की वेबसाइट पर अकाउंट है तो आप लॉग इन के ऊपर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हो। पर अभी आप फ्रेशर हो यानी कि अकाउंट बना रहे हो तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना है। आपको अपना वही फर्स्ट नेम फिल करना है जो कि आपका 10th या 12th की मार्क्स
मार्कशीट के अंदर हो और उसके शुरुआत में आपको कोई मिस्टर मिसिस श्री या श्रीमती लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जैक्ट नेम फिल कर देना है जो कि आपकी टेंथ की मार्कशीट के अंदर अवेलेबल हो। इसके बाद आपसे मिडिल नेम पूछा गया है, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपसे आपका लास्ट नेम बोला जा रहा है फिल करने के लिए, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर ही फिल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फादर मदर नेम, यहाँ पर आपको अपने फादर या फिर मदर नेम दे देना है जो कि आपकी टेंथ की मार्कशीट के अंदर अवेलेबल हो, और स्पेलिंग आपको एक बार अच्छे से चेक करके लिख देनी है। अब यहाँ पर आपसे गार्जियन नेम यानी कि आप अपने अभिभावक के तौर पर किसी का भी नाम दे सकते हो, चाहे आपका भाई हो और सिस्टर हो या माता हो या दादा हो, जो भी हो आप उसका नाम यहाँ पर देख सकते हो। जो पैन कार्ड डिटेल हमने यहाँ पर फिल की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जन्म कौन से ईयर के बीच में हुआ है, और यहाँ पर आप मंथ आगे एरो के निशान पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो कि किस मंथ में आपका जन्म हुआ है, और डेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने 2/5/2002 सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप इंडियन हो, नेपालीज हो या भूटानस हो, तो यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे डोमोसाइल के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास डोमोसाइल किस जगह का है, आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो कि किसी की कौन सी स्टेट का आपके पास डोमोसाइल है, तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है यानी कि लिंग पूछा जा रहा है, आप मेल हो या फीमेल, तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आप फीमेल हो तो आपको फीमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। मैरिटियल स्टेटस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको बता दूँ कि इसमें अनमैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिंगल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 यानी कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी कोई पहचानने लायक निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, चाहे वो आपको हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क अब सभी जगह पर पूछा जाता है, यानी कि जितने भी फॉर्म फिल होते हैं उन सभी में अब ये पूछा जाता है। यहाँ पर 2 दिए गए, आप चाहे तो एक भी फिल कर सकते हो, दूसरे वाले को खाली छोड़ सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में मैं आपको और अच्छे से बता दूं कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई भी निशान है, आपके फेस पर कोई तिल है या फिर आपकी बॉडी पर कहीं चोट का निशान है या सर पर कहीं भी, उसके बारे में यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देना है, और ये सभी जानकारी आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है क्योंकि आपको दोबारा इसको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये भरने के बाद अब इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम आपके पास 10वीं पास और 12वीं पास भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, तो यहाँ पर मैं 12th सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन यानी कि अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम NIS या फिर मैथ्स इन BSc या फिर फिजिक्स इन BSc, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इनमें से अगर आपके पास कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम NIS पर सिलेक्ट कर लेता हूं। ये करने के बाद अब आपके सामने जो अगली डिटेल है वो है अकाउंट डिटेल, तो यहां पर आपको इसके ऊपर भी क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, और ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग ईमेल आईडी फिल करनी है क्योंकि इस ईमेल आईडी के ऊपर और साथ ही मोबाइल नंबर पर आपके मैसेज जाएगा जिसमें कि आपका ये जो पासवर्ड और ईमेल आईडी होगी, और इसी जानकारी के माध्यम से आप अपने इस वेबसाइट में लॉगिन कर पाओगे। अब यहाँ पर पासवर्ड बोला जा रहा है, यहाँ पर आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो और उसको यहाँ पर फिल कर सकते हो। मैं आपको पासवर्ड बता दूं कि आपको एक ऐसा पासवर्ड फिल करना है जिसमें कि कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल वर्ड और डिजिट भी होना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपको G कैपिटल करना है, उसके बाद OD, फिर IS, फिर G कैपिटल, फिर RET, और स्पेशल वर्ड यूज करने के लिए आप @ या # निशान होता है जो चिन्ह होता है डॉलर, या फिर एंड एक जो 7 के बटन पर होता है कीबोर्ड में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर @ यूज करने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये फिल कर दिया है।
इसके बाद जो पासवर्ड आपने अभी फिल किया है उसको आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है दोबारा से पासवर्ड को एंटर करके। मैंने यहाँ से दोबारा से पासवर्ड को एंटर करके कन्फर्म कर दिया है। इसके बाद एंटर द टेक्स्ट शोन इन बिलो इमेज, यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिर से कैप्चा कोड फिल करना होगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं सब्सक्राइब टू एंट्री अलर्ट्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी एंट्री ओपनिंग्स इसके बारे में आप अपडेट चाहते हो तो आपकी ईमेल आईडी या मैसेज के माध्यम से आपको अपडेट चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और साथ ही आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ये भी आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रिफर्ड एसएमएस लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज के अंदर आप एसएमएस पाना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, तो आप यहां पर इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, या इंग्लिश या फिर हिंदी। और ये करने के बाद आपने जो डिटेल्स फिल की है, मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि आपको सभी डिटेल चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आपको लगे कि आपकी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ग्रीन में आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इफ़ नॉट वेरीफाइड विद इन 24 आवर्स योर अकाउंट विल बी डिलीटेड, यानी कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं कर करते तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, और अभी के लिए आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है, और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया होगा जिसमें कि एक OTP है, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा, और साथ ही आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ईमेल गई होगी जो कि आपको अभी चेक करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी ओपन करके चेक करता हूँ। आपको भी अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है जो ईमेल आईडी अभी आपने अकाउंट बनाते समय क्रिएट की थी। मुझे मेरी ईमेल आईडी मिल चुकी है और यहाँ पर एक लिंक दिया गया है जिस पर आपको क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। आपको भी उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको OTP एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। जो OTP आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पर भर देना है। मैं वो OTP यहाँ पर भर दे रहा हूँ, आपको भी वो OTP यहाँ पर भर देना है। दोस्तों जैसे ही आप OTP फिल कर दोगे और उसके बाद एक जो कैप्चा कोड है वहाँ पर भी आपसे मांगा जाएगा, उसको फिल कर दोगे तो आपका सामने योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, तो इस तरह का ग्रीन में नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसा कि अभी आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो। तो इसके बाद आपको अब लॉगिन करना है। यहाँ पर दिया गया है डोंट हैव एन अकाउंट, अप्लाई फॉर ज्वाइन इंडियन नेवी, मदर स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, तो अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी वो ईमेल आईडी फिल करनी है जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर करते समय फिल की थी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी वही ईमेल आईडी फिल कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया था। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। कैप्चा कोड आपको एवरी टाइम भरना होगा जो कि एवरी टाइम अलग अलग होगा, तो मैं यहाँ पर ये भर दे रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखिए आपके सामने इंटरफेस आ चुका है जो कि न्यू इंटरफेस है। अब आपका जो प्रोसेस शुरू होगा वो फॉर्म फिल का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पर हमने अपनी क्वालिफिकेशन पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, यहाँ पर 12वीं 12th डिप्लोमा मार्कशीट, यहाँ पर अब आपको 12th की जो मार्कशीट है या डिप्लोमा मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर कोई भी एक फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है आपकी खुद की 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसके बाद डिटेल्स ऑफ 12 डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको जो 12 या फिर डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। परसेंटेज बाय मार्क्स, यहाँ पर आपको मार्क्स के द्वारा देना है, तो टोटल यहाँ पर आपको कितनी परसेंटेज आपकी आई थी वो यहाँ पर दे देना है, तो मैं यहाँ पर 75 लिख देता हूँ। इसके बाद सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, यहाँ पर आपको अपने मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन होगा, तो आपको वहाँ से चेक करके यहाँ पर सीरियल नंबर फिल कर देना है। स्टेट कंडक्टेड एग्ज़ाम, यानी कि आपका जो स्टेट कंडक्टेड एग्ज़ाम है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पर कौन सी स्टेट में आप कंडक्ट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, ये उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बोर्ड कंडक्टेड एग्ज़ाम, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से अपना एग्ज़ाम जो 12th है वो की थी, तो मैं यहाँ से UP बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपना जो भी आपका बोर्ड था वो सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर ये इसका मतलब पूछा रहा है कि आपने 12th कौन सी स्टेट से की थी और किस बोर्ड से की थी।
इसके बाद डिटेल्स ऑफ टेंथ क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको टेंथ की जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है इस प्रकार से फिल करनी होगी, जैसे कि आपने अभी ट्वेल्थ की फिल की है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर देने हैं, टोटल मार्क्स का मतलब कि कितने में से आपके आए थे। तो जो टेंथ के मार्क्स होते हैं वो 600 में से होते हैं, और कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये फिल कर दे रहा हूँ। इसके बाद परसेंटेज बेस्ड और मार्क्स, आपके मार्क्स बेस्ड पर कितने परसेंटेज आए थे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब आपको यहाँ पर टेंथ की मार्कशीट का सीरियल नंबर भी इसी प्रकार से यहाँ पर फिल कर देना, जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन होगा। स्टेट कंडक्टेड एग्ज़ाम, यानी कि किस स्टेट से आपने टेंथ के एग्ज़ाम दिए थे। तो यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। बोर्ड में यहाँ से फिर से यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मार्कशीट, यहाँ पर अब आपको मार्कशीट जो कि टेंथ की है उसका फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फ़ोटो अपलोड कर दे रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है जो कि आपकी टेंथ की मार्कशीट हो, और उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको इन केस ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट नोट इश्यू बाय योर बोर्ड यू नीड टू अपलोड योर मार्कशीट अगेन। यानी कि अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट आपके बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया तो आपको यहाँ पर फिर से अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ से फिर से अपनी मार्कशीट अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से यहाँ पर दोबारा से अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में फिर से आपको अपना एक कैप्चा कोड ये फिल कर देना, जो कि एवरी टाइम अलग अलग आ रहा है। ये करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लेनी है कि कितनी कौन सी जानकारी आपने फिल की है और सभी जानकारी सही भी है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये सभी जानकारी चेक कर लेनी है। अब ये करने के बाद आपने जो डिटेल्स फिल की है वो सभी चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है उस पर सेव करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन में योर एजुकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपकी डिटेल है वो सक्सेसफुली अपडेट की जा चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस के बारे में जानकारी देनी है, अपना परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस और डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो आपसे अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं ये आपको यहाँ पर भरने होंगे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसमें एड्रेस वन लाइन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। उसके अंदर अगर आपका एड्रेस थोड़ा लॉन्ग है तो आपको टू के अंदर जो आपका बाकी एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देना है। अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी स्टेट से हो, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है, या अगर आप किसी गांव से हो तो आपको अपने जो भी एरिया का पिन कोड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी यहां पर ऑटोमेटिकली है। अगर आप इसके अलावा और अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हो, यानी कि अगर आप इस ईमेल आईडी को भूल चुके हो, यानी कि इसका पासवर्ड भूल चुके हो, तो आप चाहते हो कि मैं दूसरी ईमेल आईडी पर भी अपडेट चाहता हूँ, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल आईडी फिल करो, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस का अंतर। दोस्तों परमानेंट एड्रेस वो होता है जहां पर आपने जन्म लिया हो, और कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको आप प्रेजेंट एड्रेस भी बोल सकते हो। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब जहां पर आप फिलहाल में रह रहे हो, यानी कि अगर आप अभी भी जहां पर आपने जन्म लिया है वहीं पर रह रहे हो, तो आप यहां पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, दोनों सेम रहेगी। यहां पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी आपसे आपको दिया जा रहा है कि अगर आप इस जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है इसके अलावा भी कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, अब आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। मेरे पास एक रैंडमली फ़ोटो पड़ा है तो जो कि मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, तो मैं यहाँ से एक सिग्नेचर भी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आपको भी यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देना है। जो आपका सिग्नेचर हो आपको सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर पर करके उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। स्टेट रेसिडेंस प्रूफ डोमोसाइल, यहाँ पर आपको अपना डोमोसाइल का जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया बनाया जाता है वो आपको उसका स्कैन कॉपी इसी प्रकार से अपलोड कर देनी है। तो मैं यहाँ पर भी एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना डोमोसाइल ही यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको कैप्चा कोड फिल करना है, तो मैं यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल कर दे रहा हूँ। और फिल करने के बाद आपको एक बार फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप सभी जानकारी एक बार फिर से अच्छे से चेक करें
और चेक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों देखिए, जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज बिन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर मेरा नाम दिया गया है और जो ईमेल आईडी है और डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करके कर सकते हो। एजुकेशन पार्टिकुलर्स को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स पर अगर आप करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। और अपडेट वेरीफाई आधार पर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो भी यहाँ पर आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। अब आपका जो फॉर्म है इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री ऑनलाइन फॉर्म, वो अब फिल हो चुका है। अब आपको आगे ईमेल या मैसेज के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा अगर आपका जो सिलेक्शन है इसके अंदर होता है, या फिर जो भी इसके बारे में आपको अपडेट होगा वो ईमेल या मैसेज के माध्यम से दे दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। करंट अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑफिसर के अंदर देयर इज नो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल एट दिस मोमेंट, और ना ही सेलर के ऊपर कोई जानकारी है। एप्लीकेशन स्टेटस पर मैं चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पर जानकारी दी गई है। पेंडिंग स्टेटस और सबमिटेड के अंदर यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फॉर्म है ये बीटेक के लिए है, तो इसलिए इसमें कोई इस तरह का पोस्ट नहीं है। ये एक एंट्री लेवल का फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर कोई जानकारी आपको आगे फिल नहीं करनी है। आपने अपना काम कर दिया है जो कि हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पर अब आपको यूजर प्रोफाइल पर चेक कर सकते हो कि आपकी जो प्रोफाइल है वो क्या है, और यहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ये आपका पूरा फॉर्म फिल प्रोसेस है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों आप इसी माध्यम से बीटेक एंट्री फॉर्म को फिल कर सकते हो, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ईमेल या मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। इस वीडियो को लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों। Chum chum, bejaniya. Chum chum.